जिस गाबा मैदान से हीरो बनकर उभरे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, आज उसी मैदान पर उन्हें भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं मिला। जी हाँ, जब 2020-21 में टीम इंडिया विराट कोहली की गैर मौजूदगी में यहाँ टेस्ट सीरीज खेल रही थी, तो पंत ने इसी ब्रिस्बेन गाबा मैदान पर नाबाद 89 रन ठोकते हुए आखिरी दिन भारत को टेस्ट मैच जितवाया था। भारत ने 329 रन बनाते हुए इतिहास रचा था। कंगारुओं का गुरूर तोड़ते हुए भारत ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की थी। लेकिन इसके बाद से ही पंत को लेकर कहा जाने लगा कि भारत के पास उनसे बड़ा मैच विनर कोई नहीं होगा। इतनी कम उम्र में ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक के बाद एक कई मैच विनिंग पारियां खेलने के बाद वो हीरो बन गए थे। इसके बाद उनसे वनडे और टी20 में भी उसी तरह के प्रदर्शन की अपेक्षा थी, लेकिन वो टेस्ट के फॉर्म को तीनों फॉर्मेट में दोहरा नहीं सके। यही वजह है कि एशिया कप में वो अंदर बाहर होते रहे, जबकि पहले प्रैक्टिस मैच में उन्हें बैटिंग का मौका नहीं मिला। पंत को धोनी के विकल्प के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन आईपीएल के बाद से ही पंत के प्रदर्शन में लगातार गिरावट आती जा रही है, जिसे लेकर टीम की चिंता बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि पंत को गाबा के मैदान में टीम की प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। उनकी जगह टीम में दिनेश कार्तिक को मौका दिया गया। ऐसा ही कुछ एशिया कप में हमें देखने को मिला, जब पंत की जगह टीम में पाकिस्तान के खिलाफ कार्तिक को मौका मिला था। दिनेश कार्तिक आईपीएल के बाद से लगातार जबरदस्त प्रदर्शन करते जा रहे, इसी वजह से उन्हें पंत से ज्यादा टीम में मौके दिए जा रहे। अगर बात करें इस प्रैक्टिस मैच की, तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए राहुल के 57 रन और सूर्य कुमार यादव के 50 रनों की पारी के दम पर 7 विकेट पर 186 रन बनाए, जिसके जवाब में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 180 रन ही बना सकी और भारत ने ये मुकाबला 6 रन से अपने नाम कर लिया।